Hey guys, welcome to Fact of Fabian. I'm Suman. So today's video is all about blotting. Now blotting के बहुत सारे reasons होते हैं. जिस दिन भी आप अपना weight check करो और आपको पता चले कि आपका 2 से 4 किलो बढ़ चुका है एक ही दिन में, it means आपको blotting है. Blotting का पता हमें face से पता चल जाता है जब हमारा face इतना ज़्यादा swell हो जाता है and tummy बहुत ज़्यादा swell हो जाता है, extreme swell हो जाता है. इसके बहुत सारे reasons हैं. फर्स्ट रीजन इज एसिडिटी, सेकेंड इज कॉन्स्टिपेशन, थर्ड इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा, एंड फोर्थ एंड मेन इम्पॉर्टेंट रीजन इज आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट लिया है जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है. एंड जो भी लोग नाइट में बहुत हैवी डिनर करते हैं, बहुत ज्यादा डिनर या नाइट में ज्यादा क्वांटिटी का सॉल्ट लेते हैं, उनको नेक्स्ट डे ब्लॉट का प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली. इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि नाइट में डिनर जो है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, मेनली फ्रूट्स होना चाहिए या विदाउट सॉल्ट होना चाहिए. अगर आपको रेगुलरली ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रह रही है, आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड ब्लॉटिंग का एक और मेन रीजन होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी. अगर आप स्ट्रेस में हो, आपको ब्लॉटिंग रहेगी ही रहेगी. आप बिना मतलब की कुछ ना कुछ चीजें सोच रहे हो या फिर एक्चुअली में लाइफ में कुछ टेंशन चल रही है, उसकी वजह से भी आपको ब्लॉट हो सकता है. The last and the very very important reason of blotting is sleep. Now, जो भी लोग 8 घंटे की proper नींद नहीं ले सकते, उनको blotting का issue रहेगा ही रहेगा. 8 hours की sleep mandatory है, specially for females. Men's जो है वो 7 hours की sleep में भी अपना काम निपटा सकते हैं, but females के लिए like for us, हमारे लिए 8 hours की sleep is mandatory. अगर आपका स्ट्रेस चल रहा है और ये सारे रीजंस आपके हैं, देन ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस होगा भी नहीं एंड यू डेफिनेटली फील ब्लॉटेड, फूले हुए. आपका जो नॉर्मल कपड़े हैं वो भी जब आप ट्राई करोगे पहनने में वो टाइट होंगे, इट मींस यू गाइस आर ब्लॉटेड. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ सुपर इजी मेथड शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से अगर आप ब्लॉट फील कर रहे हो तो आपके जो ब्लॉटिंग है वो विद इन अ 1 day गायब हो जाएगी, 1 day खत्म होने से पहले ही हो जाएगी अगर आप ये पर्टिकुलर जो मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अगर आप फॉलो करेंगे तो. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड. सो फर्स्ट इज स्टार्ट योर डे विद वार्म लेमन वाटर. नाउ लेमन कंटेन्स लॉट्स ऑफ विटामिन सी एंड इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. अगर आप लेमन को मॉर्निंग में आप लोगे, प्लेन 1 lemon, तो आपका जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जितना भी इनप्योरिटीज हैं, वो पूरे दिन फ्लश ऑफ हो जाएगा. खत्म. टेक 1 big glass ऑफ वार्म वाटर, स्क्वीज 1 lemon इनटू दिस. चीयर्स. सेकेंड मेथड इज इग्नोर डायरी प्रोडक्ट्स. जिस दिन भी आप ब्लॉट फील कर रहे हो, आप टी भी नहीं लेंगे, मिल्क वाली कॉफी भी नहीं लेंगे, नो मिल्क, नो कॉर्नफ्लेक्स, कुछ भी नहीं. आपको जितने भी है डायरी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना. यस, यू कैन हैव योर आलमंड्स मिल्क, बट नो डायरी प्रोडक्ट्स. आलमंड मिल्क जो है वो प्योर फ्रॉम आलमंड्स निकलता है. इफ यू गाइस वांट अ रेसिपी देन लीव अ कमेंट, आई विल शूट दैट वीडियो फॉर यू, हाउ यू कैन मेड योर ओन आलमंड मिल्क एट होम. सो आपको बिल्कुल भी डायरी प्रोडक्ट्स को नहीं लेना. अगर आप टी भी ले लेते हैं उस दिन, ऑलरेडी आप ब्लॉट फील कर रहे हो. टी वैसे भी जो नॉर्मल मिल्क टी होती है वो थोड़ी गर्म होती है, जो हमारी ब्लैक टी होती है, बट अगर आप वो टी, कॉफी या फिर ये सब चीजें लोगे, देन आप और ज्यादा ब्लॉट फील करोगे. इट्स बेटर टू इग्नोर डायरी प्रोडक्ट्स व्हाइल यू फील. थर्ड मेथड, ड्रिंक एटलीस्ट 2 cup ऑफ जिंजर एंड लेमन टी. फर्स्ट After your breakfast, second before you are going for a sleep. Ginger is extremely, extremely very, very good for blot. Second, lemon again. Lemon में vitamin C and antioxidant properties हैं जो कि आपके जितने भी toxins हैं body में remove कर देगा. Plus जो combination है ginger and lemon का, इसकी help से आपकी body के अंदर जितने भी swell है, swelling आई हुई है, उसको remove करने में, ignore करने में बहुत ज़्यादा helpful है. Ginger is very good for constipation and acidity. जितनी भी acidity आपके जो liver में है या फिर जो tummy में है, उन सबको बाहर करने में, ignore करने में बहुत ज़्यादा helpful है. So at least take 2 cup of ginger and lemon tea. And how to make this tea? Let's check out the video. Now take a 1 glass of water and let it boil. And then add some slice of ginger
Now let this boil for good 4 minutes. Take a big cup and then transfer this ginger lemon in this cup along with slices. स्लाइसेस को खाना नहीं है बट वो रखे रहने देना इसी के अंदर. काफी लोगों ने पहले भी पूछा था जिंजर एंड लेमन डिटॉक्स वाटर के टाइम पे कि इन पीसेस क्या क्या करना है. जस्ट वाटर पीना है, पीसेस नहीं लेने. देन स्क्वीज वन लेमन. रेडी. नेक्स्ट मेथड इज च्यू your food slower and longer. जितने भी आराम से आप अपना खाना खाओगे, जिस दिन स्पेशली आप ब्लॉट फील करते हो, वैसे तो दिस इज अ पर्टिकुलर गुड मेथड कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कर सको. जितना भी आप आराम से अपना खाना खाओगे एंड लॉन्गर उसे च्यू करोगे, उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा. बट अगर आप बहुत हरी में रहते हो, फटाफट खाया और भाग लिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा. So, जितना अच्छे से आप च्यू कर सकते हो और जितना अच्छे से आप उसको लॉन्गर अपने मुंह में रख के यूज कर सकते हो ईच एंड एवरी आपकी बाइट को, दैट इज वेरी 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 गुड फॉर यू. सो मेक श्योर कि अपनी लाइफ में एक मंत्रा ले लीजिए कि अगर आपको फूड को च्यू करना है, खाना है, तो मेक श्योर वो एक लॉन्गर पीरियड तक हो. आराम से बैठ के खाओ, बिल्कुल आराम से बैठ के, टीवी वगैरह सब स्विच ऑफ करके. मील जो होता है, जब हम देखते हैं मील को या हम वाटर भी पीते हैं, सो अगर आप पॉजिटिव वाइब से पी रहे हो कि हाँ ये चीज मेरे अंदर जाके अच्छा मेरे लिए कुछ करेगी, देन एंड ओनली वो चीज हमारे को अच्छा फील कराती है और लगती है. बट अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, आपको पता ही नहीं चला आपने खाया क्या है एंड रश में हो, देन अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का सा भी ठीक से काम कर सके. नेक्स्ट, हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट विच कंटेन्स विटामिन सी. Now, vitamin C is very, very helpful for your skin, for your hair, and especially for weight loss. Vitamin C ki help se, vitamin C itself ek antioxidant hai, jiski help se aapka digestive system achche se kaam karta hai, aapki skin pe glow aata hai. Plus, agar aapko kabhi bhi acidity ya fir, constipation se related problem hai, bahut easily se solve ho jati hai, bahut hi easily se. Rather than aap koi medicines vagera lo, aisi blot ke liye, acidity ke liye, better is you have some fruits. आप समझ आ गई है, यू हैव मौसमी, संतरा, ऑरेंज एंड पाइन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरीज, कीवी, इन सब के अंदर लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में विटामिन सी होता है. सो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में ये सब चीजें ऐड करें, जिसकी हेल्प से ना कि आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, आपकी स्किन, आपके हेयर्स भी बहुत बहुत प्रिटी एंड ब्यूटिफुल बन जाएंगे. नेक्स्ट मेथड इज हैव एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप. I understand कि आपको ब्लॉट तभी हुआ है जब आपने रात को ढंग से नींद नहीं ली है, या फिर आपने गलत खाने के बाद भी नींद अपनी प्रॉपर पूरी नहीं करी है. सो ऐसे में आप या तो अपने ऑफिस से लीव ले लो, अगर नहीं तो फिर कुछ टाइम टेबल ऐसे मैनेज करो कि डे में आप अपनी जो स्लीप है एटलीस्ट उसको पूरा करो. बिकॉज 8 hours की स्लीप इज सो मैंडेटरी. बट अब क्या है कि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पे एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमें सुबह 4 बजे तक नींद ही नहीं आती, 3 बजे तक नींद ही नहीं आती. मैम हम ढंग से सो ही नहीं पाते, वी ट्राई बट हम सो नहीं पाते. सो गाइज, इफ यू वॉन्ट मी टू शूट अ वीडियो लाइक हाउ यू गाइज कैन गेट अ गुड स्लीप ऑन द टाइम, देन लीव अ कमेंट. आई गेस अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट आएंगे, देन डेफिनेटली आई विल शूट दैट वीडियो फॉर यू. So sleep is very, very mandatory for your bloating, your weight loss. It's extremely mandatory. आप अगर अपनी body को 8 hours का rest नहीं देंगे, आपके body के अंदर जो भी हमारे machines हैं, our body is like a machine, वो work ही नहीं कर पाएगी. हम एक machine को rest चाहिए होता है. So हमारी body भी it's like a machine. हमें भी rest चाहिए. हमारे body के हर एक part को rest चाहिए. So which means you take your sleep, good sleep, at least for 8 hours. The last and main important thing is stress and anxiety. You know guys, life ऐसी है आज के टाइम में सबकी कि सबकी लाइफ में स्ट्रेस है. हर एक एक की लाइफ में, कोई किसी चीज में है, कोई किसी चीज में है, बट हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ reasons की वजह से स्ट्रेस है. So स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जब माइंड ढंग से वर्क नहीं करता, जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है किसी भी चीज को लेके, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बट आप अपने एक स्ट्रेस की दुनिया में ही खोए हुए हो,
then probably आपको ब्लॉटिंग डेफिनेटली रहेगी, डेफिनेटली, बिकॉज आपने जो खाया यू डोंट रियलाइज, आपका माइंड ही नहीं था, आपका माइंड सिर्फ स्ट्रेस में ही चल रहा है, एंजाइटी, एंड आपने क्या खाया आपको नहीं पता, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी ढंग से वर्क नहीं करा, सो उसकी वजह से भी आपको ब्लॉटिंग होती है. सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को बिल्कुल अपनी लाइफ में जगह मत दो, जस्ट इग्नोर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है या जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है. बट इफ यू कांट इग्नोर देन ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एंड काफी सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रेस को किल करने के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सो इफ यू गाइस वांट मी टू अगेन शूट अ वीडियो फॉर 5 or 6 वेज टू किल अ स्ट्रेस, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शूट दैट वीडियो फॉर यू गाइस. सो दीज आर माय टॉप मेथड्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम ब्लॉटिंग, बिकॉज ब्लॉट जब हम करते हैं ना, सो ऐसा लगता है कि मुंह पे कस के किसी ने 10-15 थप्पड़ मारे हुए हैं एंड लड़ाई करके बच्चा आया है घर में एंड उसका फेस इतना ज्यादा स्वेल हो रहा है. यू नो, जब मेरा एक टाइम था, एक लाइफ का फेस था जब बिना मतलब के ब्लॉटिंग होती रहती थी मेरे घर वाले मैरिज से पहले, एंड मेरे घर वाले बेचारे परेशान रहते थे कि यार ये इतनी मोटी हो गई है, यार ये इतनी सूजी की हुई है, इसको क्या हो गया. देन मुझे तब समझ नहीं आता था कि हेल्थ एंड फ्रूट्स या फिर स्लीप एंड स्ट्रेस का क्या एक कॉम्बिनेशन है फॉर हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ. सो जैसे जैसे मुझे समझ आया, मैंने उन सब चीजों पे वर्क करा है एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सो या, सो ट्राई आउट दीज पर्टिकुलर मेथड्स एंड विल डेफिनेटली गेट रिड ऑफ फ्रॉम ब्लॉटिंग, बिकॉज ब्लॉट करना नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड. सो हिट अ लाइक बटन इफ यू लाइक माय दिस मेथड्स. And don't forget to subscribe my channel as well. Until I'll see you tomorrow or day after tomorrow with some new good useful videos. Till that time, take care. Bye.